However, Sri Rahul Gandhi declined to withdraw his resignation. Consequently, the CWC unanimously resolved to request Srimati Sonia Gandhi to take over as interim president pending the election of regular president by the AICC. लोकसभा चुनाव के बाद से ही करीब ढाई महीने तक बिना अध्यक्ष के रही कांग्रेस को आखिरकार गांधी परिवार से ही नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने सोनिया गांधी को नया कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस अधिवेशन में नियमित अध्यक्ष की चुनाव तक वो पार्टी की बागडोर संभालेंगी। पिछले ढाई महीनों के घटनाक्रम को कैसे भी देखा जाए, एक बात तो तय है, कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उसका नेतृत्व संभाल सके। कमोबेश इसकी झलक CWC की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में भी देखने को मिली। सोनिया जी पुनः कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। वैसे समझ में नहीं आया पूरा एक दिन चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी, ये तो होना ही था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बेसिक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। परिवार के लोगों के बीच ही म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, कभी सोनिया जी तो कभी राहुल जी, तो कभी राहुल जी तो कभी सोनिया जी। कुल मिलाकर लगभग 70 दिन के कांग्रेस के महामंथन के बाद एक बार फिर गांधी परिवार ही उभर कर सामने आया है। सोनिया के इस चयन से कांग्रेस भले ही खुश हो, लेकिन असल मायनों में ये उसके लिए परेशानी का सबब है कि आखिर कब तक गांधी परिवार उसका खेवनहार बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का विषय है फर्स्ट लेडी अंतरिम अध्यक्ष। सवाल यही है कि क्या यही सब करना था कांग्रेस को, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं, क्योंकि यदि यह नहीं होता तो कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती थी। बीते 3-4 दिनों से हम देख रहे थे, कई दफा ये सामने आ रहा था कि जो उम्रदराज नेता है वो ये चाह रहे थे कि उनके बीच का कोई अध्यक्ष बन जाए, लेकिन युवा वर्ग है वो अलग एक बात अलाप रहा था। तो फिर डर भी था कहीं कांग्रेस को कि ऐसा ना हो कि देखते ही देखते कांग्रेस टूट जाए और दिक्कत यही खड़ी हो जाए कि आखिर कैसे काम होगा। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कल हम दिन में जब बात कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि सोनिया जी बाहर आती है, उनसे बात की जाती है तो वो कहती कि CWC अपना निर्णय लेगी, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल भी साथ में थे। तो क्या ये जो सब ये नूरा कुश्ती का हिस्सा था, या फिर कांग्रेस ने ये मान लिया है कि गांधी परिवार ही खेवनहार है, गांधी परिवार नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं है कि कांग्रेस आगे चल पाएगी। क्योंकि इसका एक उदाहरण पहले भी मिल चुका है, जब एनडी तिवारी एक अलग कांग्रेस बनी, फिर क्या क्या हुआ उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा, आगे चलकर हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अंततः बात यही हो कि गांधी परिवार के हाथ में एक बार फिर कमान है कांग्रेस की, और अब हमें कहना पड़ रहा है कि फर्स्ट फैमिली अंतरिम ऑप्शन। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान रहेंगे। LN शीतल साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत करता हूँ। राजू मालवी जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। धर्मेंद्र भदौरिया जी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले धर्मेंद्र जी के पास ही चलूँगा, इसलिए कि धर्मेंद्र जी धारा 370 से लेके इन तमाम सारे मुद्दों पर खूब अभी लिख भी रहे हैं और चर्चा में भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी कहाँ देख रहे हैं, क्या ये सब इतने दिनों से एक सिर्फ दिखावा चल रहा था, या ये मान लिया जाए कि गांधी परिवार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के साथ ये अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, लेकिन कांग्रेस के पास गांधी परिवार ही उसकी पूंजी है इस समय। तो अगर कांग्रेस में कोई और अध्यक्ष आता या किसी और नेता को ये दायित्व दिया जाता तो पार्टी के टूटने का, बिखरने का खतरा था जी। सोनिया गांधी एक सर्वमान्य नेता है पार्टी के अंदर और उनको किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं है, और सभी कांग्रेसजनों ने एक स्वर में उनको अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है। लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष चुनने के साथ ही जो बात है कि परिवार बात की, उस वो बात बहुत उठेगी। दूसरी बात, कांग्रेस में जो युवा नेतृत्व की जो बात हो रही थी, वो युवा नेताओं को जरूर निराशा हाथ लगी होगी, या जो कांग्रेस के जो प्रशंसक हैं उनको जरूर निराशा हाथ लगी होगी कि कांग्रेस में कोई युवा को मौका देने की बात हो रही थी लेकिन वो नहीं मिल पाई। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद, सोनिया गांधी की जो कार्य पद्धति है, जिस तरीके से हमने उनको देखा, वो 19 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं पहले भी,
तो फिर से वरिष्ठ नेता या जो पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनका फिर से एक बार पार्टी में वर्चस्व देखने को मिलेगा और युवा नेता कहीं ना कहीं हाशिए पे दिखाई देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब तमाम सारी पार्टियां युवा तुर्क की तरफ बढ़ रही है, युवाओं को लेकर बात भी करती है, लेकिन पार्टी में एक बार फिर 72 वर्ष की सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। एलएन सीता साहब, क्या कहेंगे, ओवरऑल कैसा देखेंगे इसको, क्या वास्तव में अच्छा? आपने ये भी देखा होगा कि जब तिवारी कांग्रेस बनी, ये सब प्रयोग पहले हो चुके हैं, ये पहला नहीं है। पहले प्रयोग हुआ जब दूसरे लोग अध्यक्ष बने, सीताराम केसरी का क्या हसर हुआ वो भी हमें पता है, लेकिन अंततः सोनिया गांधी आई और 10 साल तक शासन किया। मनोज जी, यह बात बिल्कुल सही है कि किसी पार्टी में कौन अध्यक्ष हो कौन नहीं हो, पार्टी अध्यक्ष कैसे चुना जाए कैसे नहीं चुना जाए, ये उस पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला होता है और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं होता है। लेकिन इसके संग दूसरा सच यह भी है कि ये जो चयन है, कल का जो मनोनयन है, यह वंशवाद के आरोप को भी उतना ही ज़्यादा प्रमाणित करेगा जी। और एक ऐसा वंश जो निरंतर पिछले 19 साल और अगर 17-18 महीने जो है राहुल गांधी के भी जोड़ दिए जाएं, तो लगभग 21 साल से लगातार जो है पार्टी का नेतृत्व करता रहा है और जिसके नेतृत्व में पार्टी रसातल की ओर निरंतर अग्रसर होती रही है। ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी, एक ही परिवार का जो है नेतृत्व, लेकिन सर ये 19 वर्षों में 10 वर्ष ऐसे भी बीते जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको नहीं मिली थी जी। उसको सीटों को अगर आप देखेंगे तो अगर 21 साल पहले की स्थिति को देखेंगे और अब की स्थिति को देखेंगे तो वो सीटों, क्योंकि लोकतंत्र में जो सीटें होती हैं वही निर्णायक होती हैं जी। तो ये देखा जा सकता है कि पार्टी 21 साल पहले क्या थी और आज जो है 2019 में क्या है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इससे जो पार्टी, मतलब इसमें मैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी या यूं कहें कि गांधी परिवार का कोई हाथ नहीं देखता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए कोई दूसरा जो है वो चुना जी। अंदर ही अंदर वो चाहते होंगे, ये पार्टी जनों की विवशता थी कि उन्होंने उनके अलावा कोई उनको नेता नजर नहीं आया। बिल्कुल। और इसी के साथ दूसरा सच ये भी है कि ये पार्टी की जो विवशता है, ये पार्टी की जो दयनीयता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो पार्टी ये कहती रही है कि हम आजादी की सीधे सीधे उत्तराधिकारी हैं और हमारा जो संघर्ष है उसी की बदौलत देश को आजादी मिली थी। सर मैं ये सवाल आपका, राजेश मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बनारस के पूर्व सांसद है और गांधी परिवार के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। मिश्रा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। क्या कहेंगे, सोनिया गांधी जी को पुनः एक बार कमान दे दी गई, हालांकि अंतरिम अध्यक्ष को बनाया गया, मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, ये मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरूरी था। या तो राहुल गांधी जी आते या सोनिया गांधी जी आई हैं, और आज सोनिया गांधी जी की आवश्यकता इसलिए ज्यादा जरूरी थी जी, जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष की एकता है उस एकता के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यक्तित्व का आदमी होना चाहिए, जिसकी उम्र ज्यादा हो, जिसकी सीनियरिटी की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से लोग उसे स्वीकार लें। और सोनिया गांधी जी में वो सारी चीजें हैं कि पूरा विपक्ष उनको मान लेगा। जब पहले ये सब तय कर लिया गया होगा मिश्रा साहब, जब पहले ही ये पता था कि ऐसा करना है, तो फिर 2 महीने 2.5 महीने ऐसा क्यों निकाल दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। पूरी कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी जी बने रहे, राहुल गांधी जी को सहमति के लिए लगातार कोशिश की गई, कल पीडब्ल्यूसी दिन भर इसीलिए बैठी रही, इसे 5 ग्रुप में बांटा गया, लोगों की ओपिनियन ली गई, ओपिनियन में भी सारे लोगों ने राहुल गांधी जी का ही नाम दिया जी। क्योंकि सोनिया जी की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, कुछ स्वास्थ्य कारणों से भी पार्टी ये महसूस कर रही थी कि राहुल गांधी जी बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जब राहुल गांधी जी किसी भी तरह तैयार नहीं हुए तो फिर सोनिया जी को इसलिए भी बनाना पड़ा। चलिए, आप मेरे साथ सर, आप मिश्रा साहब मेरे साथ बने रहिएगा। राजू मालवीय जी भी मेरे साथ जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी कुछ सवाल होगा। राजू जी क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? मैं तो देख रही हूँ कि जो 74 दिन के बाद ड्रामे का
अंत हुआ है, वो 74 दिन तक ड्रामा चला क्यों? ये बड़ा प्रश्न आम जनता लोगों की ओर से मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ। सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ तय था, और अब मेरे दो साथियों ने कहा कि पार्टी टूट जाती यदि सोनिया जी नहीं बनती, तो जो 19 साल अध्यक्ष रही, जो पहली बार अध्यक्ष बनी थी, तो उन वरिष्ठ लोगों की एक एक कदम पर सलाह के बाद जिन्होंने पार्टी चलाई थी, क्या उनमें से भी कोई योग्यतम नजर नहीं आया? 74 दिन तक आप कहते रहे कि ना गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके बाद वापस वही ढाक के तीन पाक। और इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टी कांग्रेस फैमिली पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी एक फैमिली है। चलिए, बड़ी बात है। और राइज मिश्रा जी सुन रहे होंगे, मुझे जवाब दे दीजिए राजू मालवीय जी के सवाल। आवाज उनकी नहीं आ रही थी, आप उनकी बात बताइए, मैं आप जवाब दे रहा हूं। उनका ये कहना है कि 74 दिनों का ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी, ये ड्रामा ना करते पहले ही सब हो देते। और यहाँ फर्क इतना है कि कांग्रेस में एक फैमिली है जो परिवार है कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी परिवार। कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है, कांग्रेस की वो अध्यक्ष है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है कि वो कह रही है कि एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी पार्टी का परिवार है। कांग्रेस पार्टी हो या देश की या दुनिया की कोई भी पार्टी, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं हर पार्टी का इस्तेमाल करती है, और कांग्रेस पार्टी के पास जो बेस्ट ऑप्शन था राहुल गांधी जी का। अब इसमें किसी दूसरे दल को क्या दिक्कत है कि कौन अध्यक्ष बना कौन नहीं बना, और दो महीने ढाई महीने ड्रामा हुआ और ड्रामा खत्म हो गया, इसमें दूसरे को क्या दिक्कत है? भाजपा को क्या परेशानी? सही, भाजपा अपना काम करे, कांग्रेस अपना काम। चलिए, आप क्या पर, क्या हिंदुस्तान को शब्द बात दिखा रहे हैं और न्यू इंडिया बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है जो आज हो रहा है पूरा हिंदुस्तान अपनी नजर से देख रहा है, लोगों को जिस तरह जो है बेवकूफ बना के और लोगों को समझा के जिस तरह नए नए संवाद दिखा के भाजपा सरकार चला रही है जी, वो अपना काम करे, कांग्रेस अपना काम कर रही है। मिश्रा साहब, मिश्रा साहब, मिश्रा जी, मेरे एक छोटे से कांग्रेस का काम है, कांग्रेस कर रही है, उसमें उनको क्या दिक्कत? चलिए, मेरे एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर आपसे नमस्कार मैं करूंगा। एक तो ये कि बीजेपी को क्या परेशानी, उसका जवाब आपने दिया, लेकिन आपने कहा कि न्यू इंडिया की आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, लेकिन राहुल गांधी ने भी कल कहा है कि पार्टी अब नए क्लेवर में नजर आएगी, नए रूप में नजर आएगी। तो राहुल गांधी तो बीते 18-19 महीने से थे अध्यक्ष। देखिए, राहुल गांधी जी 18 महीने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और जिस तरह उन्होंने सड़क पे लड़ी है कांग्रेस की और जनता की लड़ाई लड़ी है सड़क पर, इस सरकार के खिलाफ, ये पिछले 15-20 सालों में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। फिर हटा काय को दिया है जी, पार्लियामेंट पर लड़ना हो या पार्लियामेंट के बाहर लड़ना हो या सड़क पर लड़ना हो, वो हर इशू पे लड़ते रहे हैं। तो अब नया क्या दिखने वाला है? सुनिए, आप उसको हर चीज को चुनाव की दृष्टि से ना देखिए, अब नया क्या दिखने वाला है? मैदान छोड़ के क्यों भाग गए, ये भी तो बता दीजिए। हेलो, मैदान छोड़कर क्यों भाग गए, बीजेपी ऐसा कह रही है? मैदान छोड़ के बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी को नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर का मामला है, मनोज जी ने मुझे बुलाया है तो मुझे प्रश्न तो करना पड़ेगा। मैदान छोड़वा दी, वो अपना तो पहले बताओ कि वो क्या कर रहे हैं। मनोज जी ने मुझे बुलाया है तो मुझे प्रश्न करना पड़ेगा, बाकी आपका आंतरिक मामला है, लेकिन इस आंतरिक मामले से इस देश को जानने का अधिकार है। और अच्छे तरह से लड़ेंगे, पार्टी का संगठन सोनिया गांधी जी चलाएंगी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, ये हम लोगों के लिए और आसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। राजेश मिश्रा थे, सांसद थे, बनारस से पूर्व सांसद है, और आपका ये कहना था कि जिस तरह से अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी को, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए हर्ष का विषय हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि नए कलेवर के साथ हम नजर आएंगे, नई बातें करेंगे। धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे थे राज मिश्रा जी को, मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे थे कि अब पार्टी बदलने वाली है, सड़क पर उतरने वाली है, सड़क की लड़ाई लड़ने वाली है, तो 18 महीने में क्या किया?
नहीं, 18 महीने में अगर राहुल गांधी का कार्यकाल देखा जाए मनोज जी, जी तो कार्यकाल काफी संतोषजनक था और उन्होंने काम किया, मेहनत की। अब मेहनत के परिणाम नहीं आए तो उस पर उन्होंने त्याग पत्र दिया। ठीक है, उनकी उम्मीद ये थी कि कांग्रेस में जब वो त्याग पत्र देंगे तो और भी नेता त्याग पत्र देंगे, पर उनके त्याग पत्र के बाद किसी भी वरिष्ठ नेता ने जिम्मेदारी लेते हुए कोई त्याग पत्र नहीं दिया। वो पार्टी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है मुझे लगता है कि वो पार्टी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। और वरिष्ठ नेता या जो अनप्रोडक्टिव नेता हैं लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली हैं और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उनसे वो निजात चाहते थे, पर वो उनसे निजात नहीं मिल पाई उन्हें। इसलिए उन्होंने, चूँकि उनको मुझे लगता है कि उनको फ्री हैंड नहीं था, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो आना नहीं चाहते थे। दूसरी बात है मनोज जी कि पार्टी में और कोई नेतृत्व क्यों नहीं है? सत्ता में रहते हुए पार्टी नेता खड़े कर सकती है, सत्ता में जो पार्टी नहीं होती है तब नेता खड़े कर पाना मुश्किल होता है। सोनिया गांधी जी 19 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, 10 साल यूपीए का शासन रहा इस दौरान, लेकिन उस 10 साल में राहुल गांधी को ही नेता स्थापित करने में ये लोग लगे रहे, जो कि वो रणनीति असफल हुई। अगर आप संघ को देखें, जनसंघ के समय से देखें कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो 1980 से लेकर 1991 तक या तो अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी यही दो अध्यक्ष रहे। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी बने, फिर आडवाणी जी आ गए और फिर काफ़ी आगे आके बंगारू दत्तात्रेय और ये लोग अध्यक्ष बने। तो कहने का आशय ये है कि जब पार्टी के पास राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी होती है या राष्ट्रीय पहचान वाले नेता कम होते हैं तो जिसकी पहचान होती है उसको पार्टी अध्यक्ष चुनती है। ऐसे समय में अभी कांग्रेस के सामने संकट ये है कि उसके जो नेता हैं वो जमीनी नेता कोई नहीं है। कांग्रेस में नेता ही नेता है, कार्यकर्ता नहीं है कोई। ये सबसे बड़ी एक समस्या है, जिस नेता की जमीन पर कोई पकड़ हो वो नेता नहीं है। अब जमीन पर पकड़ अगर नहीं है तो फिर जमीनी जो कार्यकर्ता है वो पहचाने उस नेता को और माने, वो ये गांधी परिवार है। तो इसलिए कांग्रेस इससे बाहर जा ही नहीं पाती है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी और आक्रामक तरीके से कांग्रेस में सामने आना चाहिए उन्हें। जी कहा भी है, ग्राउंड की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने कहा भी है ये चीज। लेकिन मैं जिस तरीके से उन्होंने वायनाड में अभी उनको मोदी जी को फोन किया और मोदी जी ने फिर वायनाड में जो बाढ़ के समय जो एनडीआरएफ की टीमें एक्स्ट्रा लगाई हैं, मुझे लगता है कि ऐसी सक्रियता कई एक मुद्दों पर उनकी देखने को मिलेगी। आज भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर काफी ट्वीट किए। अभी हमने राजेश मिश्रा जी को सुना, तमाम तरह की बातें। राजू जी के पास वापस चलता हूं। राजू जी, क्या लग रहा है आपको? हमने देखा था जब यूपीए की सरकार बनी उस दौर में इंडिया साइनिंग की खबरें खूब आ रही थी और ये कहा जा रहा था अटल बिहारी जी का राज्य था, और फिर ये कहा गया कि वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की और इंडिया साइनिंग की बदौलत आप मैदान में उतरे थे। लेकिन सोनिया गांधी को बाकायदा कांग्रेस की कमान भी सौंपी गई और हमने देखा कि देखते ही देखते सरकार भी यूपीए की बन गई थी। तो क्या इस बार फिर एक बार अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ही सही, लेकिन सोनिया गांधी अब सामने है और बाकी अभी 3 राज्यों के चुनाव भी होना है। उन्नीस साल सोनिया जी अध्यक्ष रही जी, और 19 साल का प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट निकल के सामने आया जो आदरणीय धर्मेंद्र भैया ने कहा, राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी मैदान छोड़ के चले गए, ये तो कांग्रेस की हिस्ट्री है। अभी एक विषय पर हम आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि आप देखिए कि गांधी परिवार किसी दूसरे को स्थापित करना ही नहीं चाहता और जो स्थापित है उन्हें आउट कर देता है, उन्हें आगे नहीं लाना चाहता। आपको ताजा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं कि दो नेताओं को, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तर प्रदेश के जो भी परिणाम आए उन परिणामों में इन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी थी, पर जो जिम्मेदारी केवल ज्योतिरादित्य जी के कंधों पर डाल दी गई और उन्हें आउट कर दिया और प्रियंका स्थापित हो गई। क्यों भाई, वो दिवाला प्रियंका के लिए ही क्यों बना, ज्योतिरादित्य के लिए क्यों नहीं बना? ये सारे प्रश्न आज कांग्रेसी परिवारों के अंदर भी चल रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न चल रहा है, क्या सिंधिया जी के अंदर भी चल रहा था, इसलिए कह दिया 370 के हम साथ खड़े? नहीं, ऐसा है कि ये प्रश्न तो उनके अंदर चल रहा होगा, लेकिन धारा 370 के प्रभाव, उसके दुष्प्रभाव, प्राथमिकता चरण से लेकर आज तक की कश्मीर की स्थितियां,
मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी दल का हो, सो इसे निष्पक्ष भाव से उसका आकलन कर लेगा तो उसका समर्थन उसे करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश की परिस्थितियों के साथ, देश की अखंडता और एकता के साथ जुड़ा हुआ विषय। लेकिन मैं तो अभी जिस विषय पे बात कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं है, वो एक इत्तेफाक है, चूंकि आपने नाम ऐसा ले दिया और उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया और हमने उसका स्वागत भी किया जी। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उनके साथ हुआ क्या वो ठीक हुआ? मध्य प्रदेश में जो उनके साथ हुआ क्या वो ठीक हुआ? लगातार जिस तरह से चल रहा है कि राहुल गांधी जी के हर कॉम्पिटिटर को खत्म करना, राहुल गांधी जी के हर कॉम्पिटिटर को डिमोरलाइज करना, ये पॉलिसी भी मुझे लगता है गांधी परिवार की एक बड़ी पॉलिसी है जी। और वो नजर आ रही है। रही बात सोनिया गांधी जी की, तो निश्चित रूप से उन्हें इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश मिश्रा जी कह रहे थे कि भाजपा को क्या मतलब है। हाँ भाई, आपके दल का मामला है, आप जिसको चाहे वैसे बनाए जी। लेकिन फिर जब कोई बात ये कहता है कि आखिर आपके पास कोई योग्यतम या तो कार्यकर्ता नहीं है या आप बनाना नहीं चाहते, तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते? ठीक है, सीता साहब, कहते हैं कि पार्टी टूट जाती अगर सोनिया जी नहीं बनती तो। मतलब जिस दिन गांधी परिवार नहीं रहेगा उस दिन कांग्रेस नहीं रहेगी, क्या ये घोषणा है? क्या ये भविष्यवाणी है? चलिए माना, अभी तो कम से कम यही लग रहा है। शीतल साहब, ओवरऑल जिस तरह से सोनिया गांधी को कमान दी गई, अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मैदान में नजर आएंगे, धर्मेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सोनिया के नेतृत्व में सरकारें तो बनी है, इसको तो आप नहीं नजरअंदाज कर सकते, चैलेंज होगा क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की? कांग्रेस जो है इतिहास, कांग्रेस में जो इतिहास की पुनरावृत्ति देख रहा हूं मैं जी, इससे सभी लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को, जब कांग्रेस बटी थी, इंदिरा कांग्रेस और संगठन कांग्रेस, तो उस समय युवा जो है अलग हो गए थे और पुराने अलग हो गए थे। इस समय विचारधारा की दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस जो है बाकायदा, विधिवत रूप से तो नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर दो हिस्सों में बट चुकी है। एक युवा वर्ग है जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा, और एक जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। ठीक है कि राहुल गांधी की बहुत सी बेवकूफियां भी उनको नाकाम करने में जिम्मेदार रही, लेकिन उन्हें नाकाम करने में कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता हैं वो भी जिम्मेदार रहे हैं, और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया। तो ऐसी स्थिति में जो ये अनुच्छेद 370 जो हटा है, इस पर भी कांग्रेस का जो मतभेद है, अंदरूनी मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, वो स्पष्ट आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है लगभग लगभग विभाजन की स्थिति में है, और इससे युवाओं में जो हताशा फैलेगी वो हताशा कहीं दूसरा रूप न ले ले। जहां तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी के बारे में तरह तरह की अफवाहें अतीत में उड़ती रही हैं जी, कि वे अपने इतने विधायकों के संग जो वो हो जाएंगे, उनके मन में जो है विपक्ष ये बिठाने की कोशिश कर रहा है कि आप आपके पिता को मुख्यमंत्री बनने दिया ना, तो बहाने तो चाहिए ना अलग होने के लिए, कारण तो चाहिए होते हैं जनता को बताने के लिए। तो ये जो मनभेद है, ये मनभेद जो है मतभेद का रूप ले चुका है, और आगे चल करके इसमें पार्टी कमजोर होगी, इससे पार्टी मजबूत होने वाली नहीं है किसी भी तरह से। जी धर्मेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि पार्टी के अंदर ये जो सब चीजें चल रही है, ये तो ठीक है कि सोनिया गांधी के अलावा कोई अभी इस वक्त तो कम से कम गांधी परिवार की आवश्यकता थी, क्योंकि स्थितियां जो है, हार के बाद जो स्थितियां होती है वो अलग होती है, जीत के बाद जो स्थितियां होती है वो अलग होती है। तो अभी संक्रमण काल से गुजर रही पार्टी, ये तो सच है, लेकिन क्या वास्तव में शीतल जी जो कह रहे हैं उस तरह की स्थिति भी कहीं नजर आ रही है? मनोज जी, शीतल सर ने जो कहा करीब करीब वो सही है कि कांग्रेस में अभी युवाओं को जरूर ये लग रहा है कि वो उन लोगों को उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हमने सोनिया गांधी जी का कार्यकाल देखा है पुराना। सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी से अध्यक्ष पद लिया, उस समय कांग्रेस के 143 या 141 सांसद थे। 1999 का चुनाव हुआ, 119 सांसद हुए, 2014 का चुनाव हुआ, 44 सांसद हुए। इतने लंबे कार्यकाल में हमने देखा कि सोनिया गांधी जी के ने कार्रवाई किसी भी वरिष्ठ नेता पर कभी भी नहीं की, है ना। और हमने ये भी देखा कि उनके नेतृत्व में कोई भी युवा नेता उस तरीके से जिम्मेदारी, उस तरीके से आगे नहीं आ पाया। इवन ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट,
मुरली देवड़ा के जो लड़के है ना, वो देवड़ा और भी जो नए लड़के थे, नए जो नेता थे, ये राज्य मंत्री ही रहे यूपीए के दौरान, ये कैबिनेट मंत्री भी नहीं बन पाए ये लोग। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में उपेक्षा का भाव होगा और है, जो समय समय पर, अब चूंकि पार्टी कमजोर है और एकदम से ऐसा लगता है कि दिशाहीन और नेतृत्वहीन अभी पिछले 80 दिन से पार्टी थी, ऐसे में युवाओं को हो सकता है कि, मेरे को लगता है अभी भी शीतल सर की बात से और एक कदम आगे, मुझे लगता है कि हो सकता है कि युवा नेता कोई एक और अलग हो जाए जी, मे बी पॉसिबल। चलिए, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है। तो बीजेपी क्या इंतजार कर रही है इस चीज का राजू जी? नहीं देखिए, ये कांग्रेस के अंदर का मामला है, वो तो जाए, वो जुड़ जाए, वो और मजबूत हो जाए, वो और कमजोर हो जाए, ये जो कुछ भी होगा इसका पूरा का पूरा श्रेय गांधी परिवार को ही जाएगा और विशेष रूप से सोनिया गांधी को जाएगा, क्योंकि 19 साल वे अध्यक्ष रही हैं और उस 19 साल में उन्होंने जो बोया है वही तो काटेंगी ना। तो चलिए, बोया तो मेरे ख्याल से अच्छा भी है, और इसीलिए उनके रहते रहते तो बहुत कुछ काटा गया, लेकिन जैसे ही राहुल के पास पार्टी आई फिर क्या हुआ वो सबके सामने। शीतल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाह रहा हूँ, क्या ओवरऑल जिस तरह से जो तमाम सारी स्थितियाँ आप कांग्रेस की देख रहे हैं, ये जो नूरा कुश्ती खेली गई 3 दिन तक पहले के, और कल हमने खुद सोनिया गांधी को देखा था, वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं, सीडब्ल्यूसी जो निर्णय करेगी, तो क्या ये निर्णय पहले ही हो गया था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, एक आरोप जो है उसमें थोड़ा दम लगता है कि जब पार्टी किसी भी शर्मनाक स्थिति में आती है और नेतृत्व पे जब सीधे सीधे मतलब पूरा देश संदेह कर रहा होता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अंदर ही अंदर उस नेतृत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए नौटंकी करते हैं जी, और भले और उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मौन जो वो होता है मैसेज, वो ये होता है कि आप करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इस बार शीतल सर तो परिणाम नितांत कांग्रेस के विरुद्ध रहे, लेकिन इस बात पर हर कांग्रेसी आम मतदाता भी तय मान रहा था कि नहीं, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की और किसी कांग्रेसी ने मेहनत नहीं की। नहीं, बात आपकी बिल्कुल, आम मतदाता ने ये भी तो माना कि पैर में कुल्हाड़ी राहुल गांधी खुद अपने आप मारते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेहनत तो की सारी, मतलब आप पूरी रात चले और फिर एक कदम जैसे दूध कितना भी अच्छा हो उसमें आप नींबू की 2 बूंद डाल दें तो उससे पूरा दूध फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो राहुल गांधी की जो मूर्खताएं थी प्रचार के दौरान कि जो चोर 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 और तमाम तरह की जो बेवकूफियां थी, उनका खामियाजा खुद उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया, सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारे कैंपेनिंग में गड़बड़ी थी, हमारे नारों में गड़बड़ी थी, हमारे जो थे क्या नाम घोषणा पत्र था उसमें गड़बड़ी थी। तो जो पार्टी देश की नब्ज को भी नहीं पढ़ पा रही है, उस पार्टी की स्थिति को दयनीय ही कहा जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्मेंद्र जी, चलते चलते क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी, अब जैसा कह रहे हैं कि और खुले रूप से, आपने भी कहा कि हम मैदान में उतरेंगे काम करेंगे, क्या राहुल गांधी एक अलग रोल में फिर से नजर आने वाले? मुझे लगता है निश्चित तौर पर राहुल गांधी, और ये सब इसी के लिए किया गया, मुझे लगता है निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत आक्रामक रूप से और बहुत ही तेज प्रचंड वेग से ये अब मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे और इनकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो कार्य एक विपक्षी नेता का रोल अदा करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि जैसा राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा त्याग पत्र देते समय कि वो अकेले खड़े थे, अगर कांग्रेस के सभी नेता साथ दें और सभी एकजुटता से कार्य करें तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी नहीं हो सकती है। कार्यकर्ताओं का अभाव है, कैडर का अभाव है, कांग्रेस को किसी भी एक वैचारिकता, एक वैचारिक उनको आइडिया देना पड़ेगा और सभी नेताओं को मैदान में दिखाई देना पड़ेगा, ना कि ड्राइंग रूम में। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, राजू मालवी जी मेरे साथ जुड़े, धर्मेंद्र जी, शीतल जी, आप तीनों ने अपनी बातें रखी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत जरूरत थी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो कांग्रेस की कमान संभाल पाए, और हमें लगता सबसे मुफीद कोई चेहरा था तो वो सोनिया गांधी का ही चेहरा था, क्योंकि सोनिया गांधी के अंदर ये क्षमता तो है कि कम से कम वो अपने नेताओं को बांध कर तो रख सकती है, लेकिन बांधने के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेता छूट भी जाए, क्योंकि यदि पार्टी में किसी को स्थान नहीं मिलेगा या युवा वर्ग जिस तरह से बातें उठाता रहा वो कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा तो ये भारी भी पड़ सकता, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए चैलेंज बहुत है।
पर सवाल यही, क्या सोनिया गांधी वर्तमान सरकार केंद्र सरकार के लिए चुनौती बनेगी? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।